इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष और रांची लोकसभा सीट के प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, नॉमिनेशन करके बाहर निकले हैं। पहले तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरी जनता को, आपके माध्यम से जो सुनेंगे देखेंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो रांची सीट को आपने चुना है, क्या लगता है यहाँ क्या होने की जरूरत है और क्या विजन के साथ आ पा रहे हैं? देखिए, पहला तो विजन हमारा है कि रांची की जो दुर्दशा, ये जो दो धाराएं चल रही हैं, इन लोगों ने जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया है जनता को और जो हाल किया है वो सभी जानते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, पिछले वर्ष आपने देखा था पानी की क्या स्थिति थी, इस वर्ष पानी की क्या स्थिति होगी, उनके पास कोई रोड मैप उसका नहीं है। साथ ही साथ यहाँ नियुक्ति घोटाले और जो घोटाले हो रहे थे, नियुक्ति घोटाला विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, हम लोग यही सोच करके आए हैं कि ये बहुत बड़ा रोज़गार का समस्या है, तो जो बेरोजगारी है ये कैसे दूर हो, इस पर हम लोग अपना नया कदम बढ़ाएंगे। आज जिस तरह से सरकार ठग रही है, भ्रष्टाचार है, ऑनलाइन आज आप टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन सरकार के पास कोई ऐसा ऐप नहीं है कि तुरंत ऑनलाइन आपके समस्या का समाधान सरकार कर सके, उसके लिए आपको उस पदाधिकारी के पास, उस कार्यालय में जाना पड़ता है जहाँ से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। आपके पास सब कुछ है फिर भी आपको उसका अधिकार नहीं मिल पाता। लेकिन यही सब मुद्दे के साथ तो बीजेपी भी यहाँ पर लड़ रही है कि यहाँ पर युवाओं के साथ ये हुआ, हम करेंगे, मोदी जी करेंगे, तो फिर आपको क्यों चुने लोग? बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है धर्म के नाम पर और जात के नाम पर लोग एक दूसरे को, समाज को बांट रहे हैं, है ना। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी जो घोटाले की है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, वही पैसे खर्च कर रही है, करोड़ों करोड़ रुपये रोड शो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, है ना। अभी तो एक बहुत बड़ा घोटाला आएगा, मीडिया घोटाला भी आएगा, यदि इसकी जांच हो तो मीडिया घोटाला भी एक बहुत बड़ा घोटाला आएगा प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी इतने ज्ञानी यदि हो गए हमारे प्रधानमंत्री, तो हमारे युवा क्यों भटक रहे हैं? हमारे यहाँ राज्य में एक तरफ मुख्यमंत्री हमारे जो हैं, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री हैं कि जो जनता का ही हक मार रहे थे, कानूनी कार्रवाई हो गई, जेल चले गए, उनके एक मुख्यमंत्री थे जो हाथी उड़ा रहे थे, हाथी उड़ाए वो, कोई उद्योग नहीं लगाए यहाँ, यहाँ के उद्योग सब बंद हो गए, जो उद्योग थे यहाँ इंसलरी यूनिट में 350 यूनिट थे बंद हो गए, HEC क्या दुर्दशा है। और वो जो गवर्नर उनको बना दिया गया कि हमारे वो प्यादे जेल न चले जाए, इसलिए रातों रात उनको गवर्नर बनाया गया, ये तो विडम्बना है। और बीजेपी की जो स्थिति है वो अंदर से खोखली हो चुकी है और पूरे हमारे देश को लूट रही है। राज्य में हमारा जिस तरह से पत्थर घोटाला चल रहा था, बालू घोटाला चल रहा था, क्यों नहीं एक आवाज़ विपक्ष के तरफ से नहीं था, पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके एक दूसरे का पीठ चला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार NEET UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.